तो भाई मैंने कल जो वीडियो डाली थी भाई वो यार बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो थी, क्योंकि भाई उस वीडियो को डालने के बाद अपने रोहित में स्टूडियो ने फाइनली हमको बता दिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और भाई बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता चला है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देखे चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं जो अपने कल जो थार रिमूव होने वाली थी वो क्या अभी रिमूव होगी, तो नहीं भाई अपने जो थार है वो रिमूव नहीं होने वाले, उन्होंने अभी बता दिया वो रिमूव नहीं होगी। बस उसमें भाई किसी दूसरे मॉडल में वो मॉडिफिकेशन डाल देंगे और भाई अपने जो फॉर्चूनर है उसको रिप्लेस किया जाएगा, स्कॉर्पियो एसिलन क्लासिक जो है उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। एंड अपने जो ये जो मैप है ना यही मैप रहेगा अभी गेम के अंदर, और जो बस वाले गेम का मैप है उसको थोड़ा बहुत बाद में अपग्रेड कर वो डाल देंगे। और भाई इस वाले जो मैप है ना इसमें थोड़े से टेक्सचर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे जिससे कि भाई गेम यार थोड़ा सा चेंज वगैरह लगेगा आप लोगों को। तो यार यही मैप को वो दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके डाल देंगे। और अभी जो मॉडिफिकेशन अपडेट है वो ऑलमोस्ट सारे गाड़ियों में आएगा, पॉपुलर एसयूवीज लाइक फॉर्चुनर स्कॉर्पियो थार और वगैरह वगैरह जो भी पॉपुलर एसयूवी कार है उनमें आएगा इस अपडेट में, और भाई बाकी कारों में फ्यूचर अपडेट में आ जाएगा मॉडिफिकेशन। एंड एज यू नो आप लोगों में से भाई कोई भी बंदा यार गुरखा के लिए कमेंट नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई वो कार कैंसिल हो चुकी है। अभी अपने गुरखा को ऐड नहीं करा जाएगा गेम के अंदर क्योंकि भाई फालतू में कोई डिमांड नहीं है और भाई उस कार को ऐड नहीं करा जाएगा। एंड उसके जगह अपने जो डिफेंडर कार है उसको ऐड किया जाएगा, उसको मॉडल बनाने दे दिया अपने रोहित स्टूडियो ने। तो यार काफी ज्यादा मस्त हो चुका है अभी सीन। तो यार आप लोग भाई कमेंट में बताना भाई आप लोगों को क्या क्या चाहिए, हम लोग उनको बता देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो भाई वो चीज़ें ऐड हो जाएंगे अपडेट के अंदर। तो यार कमेंट में बता देना आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए।